हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में। यार आज का मौसम इतना अच्छा है ना, देखिए हवाएं भी चल रही है, ये देखिए आसमान, देखिए देखो आज इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि मैं क्या कहूँ। चलो अब नीचे चलते। ये और ये तीनों मेरे साथ आई है, ये दोनों मेरे साथ आई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। पापा क्या कर रहे हो? खाली से हो आप? आप क्या कर रहे हो? आप हो खाली से? आप हो कारी से? हाँ मैं हूँ कारी से। तेरी शक्ल भी नहीं है कारी से होने की। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चलो नीचे चलते हैं। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड इवनिंग मम्मी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, रात को इतनी सर्दी लगी। ये देखिए आसमान इतना साफ सुथरा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है लेकिन आसमान बड़ा ही साफ सुथरा है। और ये है सारा घर साफ़ कर लिया है, पौधे इतने खुश हैं। मैंने धोया है घर क्योंकि काफ़ी रात को बारिश हुई थी। तो ये देखिए पौधे हमारे इतने प्यारे खुश हैं। और बस यहाँ पे घर सारा साफ़ है, बच्चे बाहर गए थे, ग्राउंड गए हुए थे, अब ना वहाँ पे नहा रहे। तो मैं बनाऊँगी पुलाव बनाऊँगी। इतना ठंडा मौसम हो रहा है, मज़े का यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। पुलाव बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। बर्तन सारे धो लिए हैं, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। मौसम से ना मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मौसम मूड काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये कपड़े हैं ना जो मुझे दर्जी को देने, मिमी और निदा के कपड़े मैंने सिलवाने हैं, तो ये दूंगी। दर्जी चेंज हो गया ना, कपड़े भी और बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट ले लेते हैं, अगर हमें कहीं जाना होगा तो वीडियोस के लिए ना मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से कपड़े ना निदा के लिए अच्छे हैं। अभी जो मैंने लॉन के बनाए ना सारे पार्ट दिए हैं, तो इस तरह के बनाऊँगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पुलाव। मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन आईफोन का स्टोरेज फुल आ रहा है, फिर उसको डिलीट करना, मतलब आईफोन ने ना मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मेरा है कि मैं कैमरा लूँ, बहुत जल्दी मैं लूँगी लेकिन फ़िलहाल ना इस पर गुजारा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी डाल लिया है, 2 चम्मच के करीब घी डालूँगी। कभी कभी घी भी खा लेना चाहिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बस घी गर्म होगा ना, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आप ऑयल डालना चाहते हैं ना ऑयल डालें। मैंने घी डाला है। फिर हम यहाँ पे मसाले हैं कुछ कड़े, तो यहाँ पे जावित्री है, बादियान का फूल है, यहाँ पे जो है ना लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और जायफल। सही है, ये सब ना खड़े मसाले हम डाल लेंगे ताकि ये ना थोड़ा कड़के। नमक भी साथ में मैंने डाल लिया, कोई इशू ही नहीं है, नमक भी साथ में डाल लिया। और इनको ना थोड़ा भूनते हैं हम, जब स्मेल आना शुरू होगी ना तब हम इसको ना फिर इसमें और चीज़ें डालेंगे। फिलहाल इनको ना कड़काते हैं, अच्छा सा स्मेल आना शुरू हो जाए तो फिर हमने ना इसमें डाल लेना है अनियन। मैंने एक ही अनियन लिए, मैं 2 कप के करीब जो है ना बना रही चावल, 2 कप के करीब बना रही, थोड़ी बना रही। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, तो मैंने कहा चलो पुलाव बना देते हैं मज़े का। तो बस जब ये सॉफ्ट हो जाए हल्का सा फिर और चीज़ें डालूंगी। बस यहाँ पे ना हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखो प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। एक ही मैंने टमाटर लिया है वो डालूंगी, साथ में जो है हरी मिर्चें डालूंगी, साबुती डालूंगी क्योंकि जिमल और अब्बास का ना मसला होता है, वो लोग नहीं खा सकते छोटे हैं। और इसी के साथ ना आलू भी डाल लेंगे ताकि वो भी थोड़ा पक जाए और फिर ना मसला ना हो आगे पकने में। तो आलू का बना रही हूँ ताकि ना मिमी भी खा सके
और ये लोग भी खा सके, तो आलू पुलाव बनाऊंगी और इतना हमें मज़ा आएगा ना देखना आगे आगे। मौसम के लिहाज से मैंने बनाया है, मज़े का बनाया है। अब ना इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि आलू जो है ना वो हमारे गल जाए और बाद में कच्चे कच्चे ना हो। तो आलू को पकाने के लिए ना थोड़ा सा पानी डाला है और साथ में ना ढकना रख दूंगी मैं। ये देखिए आलू पक गए हैं और पानी भी खुश्क हो गया, तो ये जो मैंने 2 कप चावल लिए हैं वो मैंने डाले हैं। अब 4 कप में पानी डालूंगी, तो 2 कप चावल और ये 4 कप पानी ये मैंने डाल लिया। ये देखिए, और इसमें ना टेस्ट के लिए डालूंगी चिकन पाउडर डालूंगी और अच्छा सा हिलाएंगे इसको। हिलाना ज़रूरी होता है, आपने हिलाना ज़रूरी क्या ओके बना लो। तो ये देखिए बस इसको मैंने हिलाया। अब मैंने ना इसको हल्की आंच पे ना रख देना है दम पे, ये खुद ही पकता रहेगा। ले ली लो ला 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 ला। हाय एवरीवन, अस्सलाम करना बोल रही, सॉरी आई एम आपसे मिलेगी। तो मैं गई थी पार्क, पार्क गई थी, मज़ा आया। अभी नहाई हूँ, अभी बाल भी खुले। मिमी तो ये देखिए इस स्टेज पे कुछ आ गए हैं चावल, तो ऐसा करते हैं ना इसको हम दम दे देते हैं। इस पे रखते हैं कपड़ा, ये देखिए ऐसे हमने कपड़ा रख दिया ताकि ना एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो ये खुश्क कर सके और हमारा अच्छा सा ना पुलाव बन के रेडी हो जाए। तो वेट भी रखेंगे, जो मेरे छुरियों का है ना वो मैंने रख दिया है, तो ये वेट ही हो गया। और बस थोड़ी देर ना हम इसको करेंगे और फिर बंद कर देंगे। और ये देखें, वाह पानी सारा मैंने सुखा लिया है इसका, तो ये देखें वाह रेडी हुआ है। मज़े का रेडी हुआ है, यहाँ पे पुलाव रेडी हो गया है और जो हमारी चाट रह गई थी ना तो वो भी पड़ी हुई है। मैंने कहा चलो ये भी साथ में ना डाल लेंगे तो दही से ना काफ़ी अच्छा वो आएगा इसका। मम्मा ये 10 दिन हो गई, ये ख़त्म नहीं हो रही। क्या ये चाट दोबारा बनाइए। तो ये देखें, सब्र करो ठंडा हो जाए, इतना मज़े का ये लग रहा है पुलाव। मौसम काफ़ी अच्छा है उसके लिहाज से ना अच्छा है ना पुलाव। अब्बास का और मेरा फेवरेट है पुलाव। ये नहीं मम्मू